इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद जब पुलिस ने नाकेबंदी करनी शुरू की तो आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आपको हम बता दें कि अनंतनाग में आतंकियों के साथ अभी भी जारी है, एक घर में दो आतंकी घुसे हुए हैं। शुजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, अनंतनाग के इस इलाके में दयालगाम जिसका पूरा नाम है, वहाँ पे आज सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इस इन लोगों के छुपे होने की वहाँ खबर थी और तभी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के शुरू होते ही उन पर इन मिलिटेंटों ने हमला किया, जिसमें इस क्रॉस फायर में पहले एक महिला जो है वो जख्मी हुई और फिर वो महिला अस्पताल में अपनी जान गंवा बैठी। इस वक्त तो जो खबर आ रही है वहाँ से लगातार जो एनकाउंटर जारी है, लेकिन साथ में ही एनकाउंटर के आसपास प्रोटेस्ट और प्रदर्शन काफ़ी सारे हो रहे हैं और इस वजह से एनकाउंटर जो है उसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के जो है खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, रुकेंगे।